जी, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का या नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन का तीसरा तरीका जो है वो है इन्फो केयर। पहला तरीका हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है ना। दूसरा तरीका हमने पढ़ा था काउंसलिंग। तीसरा तरीका ये है इन्फो केयर, ठीक है ना। इन्फो केयर का मतलब क्या है कि पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है ना, उसके बारे में, ठीक है। इन्फो केयर इज़ डिफाइंड एज प्रोविजन ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना, रिगार्डिंग डिजीज, ड्रग एंड डॉक्टर। थ्री डीज इसमें आते हैं, यानी डिजीज के बारे में, ड्रग के बारे में और डॉक्टर के बारे में पेशेंट को बताना क्या है, इन्फो केयर है पेशेंट की, ठीक है। इसमें जो है ना तो सेवन एसेंशियल्स शामिल हैं, यानी सात इसकी एसेंशियल चीज़ें हैं, ज़रूरी हदायात हैं। वो ये हैं कि दी फिजिशियन मस्ट सेट असाइड टाइम, मतलब कि फिजिशियन को, जो डॉक्टर है उसको अपनी अपॉइंटमेंट या अपना टाइम सेट कर लेना चाहिए, ठीक है, पेशेंट के साथ या उसकी पेशेंट की फैमिली मेम्बर्स के साथ, ठीक है ना, अपना टाइम सेट कर दिया। दूसरा काम क्या करना है, मस्ट टेक प्लेस इन लैंग्वेज, लैंग्वेज पेशेंट वाली यूज़ होनी चाहिए जिसमें पेशेंट को समझ आ जाए कि भाई डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, ठीक है। तीसरा तरीका यह है कि पेशेंट के नॉलेज से शुरू करना है, ठीक है ना, कि आप अपनी बीमारी के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। पेशेंट बता देगा जो जानता हो, उससे आगे आपने बताना है, जो पहले से ही जानता है पेशेंट वो नहीं बताना आपने, ठीक है। द टास्क ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोफेशनल। हाँ, तो चौथा तरीका यह है कि वो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को जो प्रोफेशनल हो, एविडेंस बेस्ड हो, फैक्ट बेस्ड हो, ठीक है, विदाउट फियर ऑफ कॉजिंग अ नेगेटिव रिएक्शन टू द पेशेंट। इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्फॉर्मेशन गलत दें कि नहीं जी तो बुरा लगेगा पेशेंट को, ये नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं बताना चाहिए सही बात, ऑथेंटिक बात। नो, आपने डरना नहीं है, वैलिड बात आपने करनी है, एविडेंस और फैक्ट बेस्ड बात करनी है, ठीक है ना। पांचवा तरीका है, बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ द डिजीज एंड ट्रीटमेंट, नेगेटिव इन पॉजिटिव शुड बी कम्युनिकेटेड, ठीक है ना, कि इसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं ट्रीटमेंट के, और या फिर आपके डिजीज़ के क्या एस्पेक्ट्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, सब कुछ आपने बयान करना है। छठा पॉइंट आ जाता है जी, यूज़ ऑफ सिंपल फिगर्स, डायग्राम्स, ठीक है, और स्केचेस, हेल्पफुल टू इन्हांस द पेशेंट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। तो आपने वो सिंपल फिगर्स वगैरह बना के तो पेशेंट को अंडरस्टैंड करवाना है कि भाई ये मामला हो चुका है आपके साथ, ये डिजीज़ है और ये हैपनिंग हुई है आपकी बॉडी में, ठीक है, या आपके माइंड में, ठीक है। सेवन नंबर पे आ जाता है, दी इन्फो केयर सेशन एंड्स विद द पेशेंट ब्रीफली समराइजिंग हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्री डीज़, कि ये एंड कैसे होना चाहिए इन्फो केयर का सेशन, कि पेशेंट खुद बयान कर रहा हो थ्री डीज़ को, समझा रहा हो कि हाँ, डॉक्टर को बता रहा हो कि हाँ डॉक्टर साहब आपने मुझे ये थ्री डीज़ बताई हैं, डॉक्टर के बारे में बताया आपने, ड्रग के बारे में और डिजीज़ के बारे में, सारा कुछ उसको पता लग गया, उसने समराइज कर दिया, तो इसका मतलब कि उसका इन्फो केयर सेशन अच्छा हो गया है, ठीक है ना। तो ये सेवन स्टेप्स थे। अब देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस जो है आंसर्ड होने चाहिए, उनका जवाब मिलना चाहिए पेशेंट को इन्फो केयर सेशन में। तो पहला के व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी, कि क्या डायग्नोसिस है डॉक्टर साहब, मुझे क्या हुआ है, ठीक है, मेरे ये सिम्टम्स थे, ये साइंस हैं, तो मुझे हुआ क्या है, ठीक है, व्हाई आई हैव डिवेल्प्ड दिस डिजीज़, कि मुझे ये डिजीज़ क्यों हुई है। दूसरी चीज़ एटियोलॉजी उस डिजीज़ की चेक करनी है कि हाँ भाई मुझे हुई क्यों है, कि इसकी वजह क्या है, ठीक है। तीसरी चीज़ मैनेजमेंट है, कि अब हो तो चुकी है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, वो सेफ़ है नहीं है, ठीक है, और मैनेजमेंट मैनेज के बाद इसका पता होना चाहिए, बताना चाहिए पेशेंट को, ठीक है ना। उसके बाद प्रोग्नोसिस, कि इसका स्प्रेड क्या है, इसके बाद क्या होगा, ये प्रोग्रेस करेगी डिजीज़ के नहीं करेगी, ठीक है ना, ये फैलने वाली डिजीज़ है या फिर इससे कम होगी या ज़्यादा होगी, प्रोग्नोसिस क्या है इसका, आगे क्या इसकी फेट है, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग आ जाती है रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन मतलब परहेज, क्या मैंने कोई परहेज करनी है, पेशेंट को आपने बताना है, पेशेंट चाहता है कि उसको बताया जाए, ठीक है, परहेज़ के बारे में, अगर नहीं है तो वो भी बता देना है, ठीक है। इज़ देयर एनी रिस्क ऑफ इलनेस बीइंग स्प्रेड, मतलब ये वाइड स्प्रेड डिजीज़ है, यानी ये मुझसे मेरे बच्चों में जाएगी या फिर माशरे में फैल सकती है, कहीं किसी और को लग सकती है मुझसे,
ट्रांसमिशन किया है इसकी, ठीक है, ये पता होना चाहिए, बताना चाहिए आपको पेशेंट को, ठीक है ना। हाउ विल द इलनेस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस इफेक्ट आर इन्फ्लुएंस माय फंक्शनिंग, फंक्शनिंग को कैसे डिस्टर्ब करेगी ये डिजीज़ या इसकी ट्रीटमेंट, ठीक है। कैन आई कंटिन्यू टू वर्क एट आर रेस्ट, क्या मैं काम पे जाऊँ या छोड़ दूँ काम शाम, मेरी सेक्स लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है, शुड आई कंटिन्यू, क्या मुझे अच्छा सोना चाहिए, एपिटाइट नो लाइक सोना तो अच्छा ही चाहिए, मतलब स्लीप पे क्या इसका इफेक्ट है और मेरी एपिटाइट पे क्या इसका इफेक्ट होगा ट्रीटमेंट का, सेक्स लाइफ पे क्या होगा, मेरी स्लीप पे क्या होगा, ठीक है। ये चीज़ें पेशेंट को बतानी है, ये 7 क्वेश्चंस के आंसर्स आपने देने हैं पेशेंट को इन्फो केयर में, ठीक है ना। ये आपने दे दिए तो इसका मतलब है इन्फो केयर बहुत अच्छे से कर लिया आपने पेशेंट की, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़ जो आती है नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में, वो आती है हैंडलिंग डिफ़िकल्ट पेशेंट्स, ठीक है, एंड देयर फैमिलीज। सबसे मुश्किल बात है, मुश्किल बात है वाकई में कि डिफ़िकल्ट पेशेंट कुछ आ जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वो डिफ़िकल्ट पेशेंट्स को हैंडल करना ये नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीका है भाई, साइकोलॉजिकल तरीका है ज़ाहिर है। या आप उसको दवाई दे के नहीं खामोश कर सकते, दवाई दे के आप उसका मुंह नहीं बंद कर सकते, ना ही उसको ट्रीट कर सकते हैं, ना ही उसको संभाल सकते हैं उस पेशेंट को, ठीक है ना, जो कि क्या हो, डिफ़िकल्ट हो, वही मुश्किल वाला पेशेंट आ गया। अब क्या करना है, अब होगा क्या, ठीक है, वो करेगा क्या डिफ़िकल्ट पेशेंट, उसके साइंस एंड सिम्टम्स बताता हूँ, ठीक है। हैविंग लॉन्ग मीनिंगलेस एंड रिपीटेटिव डिस्कशंस विद डॉक्टर के साथ, एवं ही मतलब एवं टाइम ज़ाया करने वाली, बार बार एक ही सवाल करेगा, मीनिंगलेस बिल्कुल जिस फजूल चीज़ें पूछेगा भाई, और टाइम ज़ाया करेगा, वेस्ट प्रीशियस टाइम, टाइम ज़ाया करेगा। बिकम टू डिपेंडेंट ऑन एंड क्लिंजी, मतलब स्टिकी हो जाएगी डॉक्टर्स के साथ, मतलब वो चिपकू नहीं हो जाते, कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है ना, और डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टू मच, ठीक है। अनड्यू फेवर मांगेगा हमायत, क्या आप मेरी इस चीज़ में हमायत करें, हालांकि उधर बनती ही नहीं होगी डॉक्टर की हमायत, ठीक है। मेक अनप्रोफेशनल डिमांड्स, प्रोफेशनलिज्म से हट के डिमांड्स करेगा वो, ठीक है ना, डॉक्टर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, उसको मतलब किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और बिकम वेरी एंग्री, इवन जब थिंग्स चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं होंगी तो वो बहुत एंग्री गुस्से में हो जाएगा भाई, जज्बात में हो जाएगा, ऊट पटांग हरकतें करेगा, ठीक है ना। बिकम रूड और एग्रेसिव, बिहेव एग्रेसिवली, ओके, रूड तो होगा, एग्रेसिवली गुस्से में बिहेव करेगा। एंड रिफ्यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट और ट्रीटमेंट्स, यानी वो ट्रीटमेंट और टेस्ट जो ज़रूरी हैं डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, वो मुकर जाएगा, नहीं मैं नहीं करवाता हूँ टेस्ट। तो ये है डिफ़िकल्ट पेशेंट, इसकी मैनेजमेंट, ठीक है ना, इसकी मैनेजमेंट लिखी हुई है, ठीक है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ फैक्टर्स ऑपरेटिंग इन द हेल्थ प्रोफेशनल दैट कैन गिव अ फॉल्स फीलिंग टू द पेशेंट इज बिहेविंग इन अ डिफ़िकल्ट वे, ठीक है ना, कि फॉल्स जो बिलीव देते हैं, फीलिंग्स देते हैं पेशेंट्स को, ऐसे तरीके आपने नहीं अपनाने कोई भी, ठीक है ना, बल्कि हकीकत बेस्ड होना चाहिए आपका जो भी तरीका हो ट्रीटमेंट का, और एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। जो 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 पीछे चीज़ें पढ़ी हैं ना नॉन फार्माकोलॉजिकल में, आप पढ़ते आए हमारे साथ, तो अब आपको काफ़ी अंदाज़ा हो गया होगा, ठीक है। इनएडिक्वेट नॉलेज एंड स्किल्स नहीं होनी चाहिए भाई इस सिचुएशन में, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए नॉलेज भी हो, स्किल्स भी हो, ठीक है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन अगर होगा तो नहीं मैनेज कर सकेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे मॉडल्स हैं कुछ, ठीक है, जो कि हम पढ़ेंगे इसमें ब्रेकिंग बैड न्यूज़ में, ठीक है। बाकी आपने रीड कर देना, इसमें कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है।